हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी इस हवा की तरह। यारे सेटिंग किया है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो का ट्यूटोरियल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आपको अपने वीडियो को कुछ इस प्रकार से शूट करना गाइस, आपको सोने की एक्टिंग करना गाइस और लास्ट में आपको डर जाना गाइस, कुछ इस प्रकार से गाइस। हे गाइस, तो चलिए वीडियो को ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है काइन मास्टर। तो चलिए उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और 916 को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका कुछ इस तरह का आइकन खुल के आ जाएगा गाइस। उसके बाद आपको मीडिया पे क्लिक करना है और अपना शूट किया वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम फटाफट उस वाले वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं गाइस। उसके बाद ओके करना गाइस और इसका जो अनवांटेड पार्ट है गाइस उसको आपको डिलीट करना है। तो चलिए हम फटाफट उस वीडियो पे क्लिक करेंगे। कैंची वाले ऑप्शन पे जाना है आपको और ट्रिम टू राइट लेफ्ट और प्ले ऐड कर देना है। और लास्ट में जो आपका कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी आप जा करके ट्रिम कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ट्रिम टू राइट और प्ले ऐड कर देना गाइस। और उसके बाद आपको बिल्कुल मिडिल पे आ जाना गाइस, यहाँ पे आ जाना है, ठीक है गाइस। और उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से वीडियो पे क्लिक करना है, कैंची वाला ऑप्शन पे जाना है और स्प्लिट ऐड प्ले ऐड कर देना गाइस, ठीक है। उसके बाद गाइस मैं एक वीडियो को यहाँ पे ऐड करूँगा गाइस, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा गाइस। तो उसके लिए आपको फिर से मीडिया पे क्लिक करना है गाइस और उस वाले वीडियो को यहाँ पे ऐड कर देना है। तो चलिए फटाफट इस वाले वीडियो को हम यहाँ पे ऐड कर दें गाइस। उसके बाद ओके करना गाइस। ये देखिए ये वाला वीडियो यहाँ पे ऐड हो गया गाइस, ठीक है गाइस। आपको अब आपको क्या करना है गाइस, अपने पहले वाले वीडियो पे आपको क्लिक करना है गाइस। ये देखिए कैंची के बगल में जो ऑप्शन है उस पर आपको टैप करना है गाइस और आपको नीचे वाले पे क्लिक कर देना है और इसको फुल जूम कर देना है गाइस, कुछ इस प्रकार से गाइस, ये देखिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, ओके करना है गाइस। और ये देखिए आपका इसको थोड़ा सा आप ट्रिम कर दीजिए। और ये देखिए आपका फर्स्ट पार्ट जो है बिल्कुल बन के रेडी है गाइस। इस वाले वीडियो का अब आपको क्या करना है गाइस, इसको आपको एक्सपोर्ट करना है गाइस। तो आप यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है गाइस और इस वाले वीडियो का आपको फुल HD में एक्सपोर्ट करना है गाइस। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको फिर से होम पेज पर आ जाना गाइस और फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना और इस बार आपको थर्ड वाला ऑप्शन जो है 1:1 उसको सिलेक्ट करना है गाइस। सेलेक्ट करने के बाद आपका कुछ इस तरह का आइकन खुल के आ जाएगा गाइस। अब आपको क्या करना है, आपको मीडिया पे जाना है गाइस और एक बैकग्राउंड का आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट वाला बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना, ओके करना है। और इसका लेंथ को आपको कुछ 10-12 सेकंड का कर देना गाइस, ठीक है गाइस। उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, आपको रितेश देशमुख सर वाला जो ड्यूट किए थे उस वाले वीडियो को यहाँ पे ऐड करना गाइस। तो चलिए उस वाले वीडियो को ऐड करने के लिए हमको लेयर पे जाना गाइस, मीडिया पे जाना गाइस और उस वाले वीडियो को यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। तो चलिए तो उसके लिए हमको यहाँ पे इसको सर्च कर लेना है यहाँ पे, फिर उसके बाद ओके करना गाइस। ये देखिए यहाँ पे ऐड हो गया गाइस। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है, क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और सर का वीडियो सिर्फ यहाँ पे इतना कर लेना गाइस। उसके बाद आपको ओके करना है और इस वाले वीडियो पे फिर से क्लिक करना गाइस और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना गाइस और इसको एडजस्ट कर देना गाइस कुछ इस तरह से। उसके बाद ओके करना गाइस, फिर से आपको स्टार्टिंग पे आ जाना गाइस। इस बार आपको फिर से लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और आप जिस वीडियो को आप एक्सपोर्ट किए थे उस वाले वीडियो को आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए गाइस। उसके बाद ओके करना गाइस और आपको अपना वाला वीडियो कुछ यहाँ पे इस प्रकार से लगा देना गाइस। गाइस आपको अपना वीडियो और रितेश देशमुख सर वाला वीडियो दोनों को अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट करना गाइस, ताकि ऐसा लगे कि सर ने आपके साथ ड्यूट किया गाइस, ठीक है गाइस। और ये देखिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर दिया गाइस और मेरा वीडियो बन के बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा यहाँ पे काम बाकी है, आपको ऊपर वाले वीडियो पे क्लिक करना और थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हुए थोड़ा सा यहाँ तक कर देना गाइस, ठीक है गाइस। इतना कर देना गाइस, अब आपका वीडियो देखिए बन के बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गया गाइस। हम आपको एक बार प्ले करके आपको दिखाते हैं गाइस, आपका वीडियो कुछ इस प्रकार से बन के रेडी हो गाइस और ऐसा लगेगा कि रितेश देशमुख सर ने आपके वीडियो पे ड्यूट किया गाइस, ठीक है गाइस। तो ये देखिए ठीक है, अब आपको क्या करना है, जिस वाले साउंड को मैंने यूज किया है उसको यहाँ पे ऐड करना गाइस। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना गाइस और उस वाले वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो चलिए फटाफट हम उस वाले वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके करना गाइस और आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे चले जाना है और इस वाले वीडियो को आपको डिलीट करना गाइस। ये देखिए आपका साउंड बन के बिल्कुल रेडी हो गया गाइस। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना गाइस, आपको शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको फुल HD में यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना गाइस। गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें गाइस और हेल्प मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।
से।